मेरा लड़का सब अवार्ड लिया, बड़े बड़े सऊदी में, लंदन में सब अवार्ड लिया। मुझे माँ की जितनी खुशी होती है इतनी खुशी किसी को भी नहीं होती। मैं वो दिन भी जानता हूँ कि हमारे अब्बू की पेंशन आती थी हमें 1000 रुपये, उसमें से मेरी माँ इन्वेस्ट करती थी मेरे स्कूलिंग में। 100 रुपये मेरे स्कूल की फीस, 100 रुपये मेरी ट्यूशन की फीस, बट वो 800 रुपये में गुजारा करती थी पूरे महीने। मैं 3-4 बार बैंक जाता, चेक करता, पेंशन आई नहीं आई। एंड वी हैव द लास्ट द वेरी लवेबल टू कम हियर ऑफ द स्टेज टू कलेक्ट हिज सर्टिफिकेट। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर तारिक। यस, योर फैमिली, यू कैन कम अप विद योर होल फैमिली, जो जो भी आपके रिश्तेदार हैं उन सबको बुलाइए स्टेज पर। यस यस, हबीब उन्नीसा मुजाहिद, मदर ऑफ द स्टार परफॉर्मर ऑफ द सेकेंड वीक ऑफ मोहम्मद तारिक। मुझे ज़िंदगी में बहुत सारे एक्नॉलेजमेंट्स मिले, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं मिला, ऐसी खुशी नहीं मिली जो आज मुझे मिल रही है, जो मुझे मेरी माँ के साथ, मेरी फैमिली के साथ लेते हुए जो खुशी मिली है मैं बयान नहीं कर सकता इन लफ्ज़ों में। मेरी स्कूलिंग से लेके स्टार्ट आज तक मेरी माँ ने बहुत तकलीफ़ें उठाई, और वो तकलीफ़ों को मैं कभी बयान नहीं कर सकता, वो सिर्फ मैंने देखा है मेरी माँ ने क्या सहा है। कि आज मैं जो भी हूँ, भले मैं इंजीनियर हूँ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हूँ, आई डोंट कंसिडर एनी थिंग दैट बिकॉज ऑफ माई टैलेंट। इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ माई मदर्स सैक्रिफाइसेस एंड हर विश एंड हर प्रेयर्स। मैं वो दिन जानता हूँ जब मेरे अब्बू के साथ मेरी माँ ने लड़ाई करके मुझे इंग्लिश मीडियम में डालने की ज़िद की थी, और माई फादर अग्रीड एंड ही एडमिटेड मी इन इंग्लिश मीडियम स्कूल। एंड मैं वो दिन भी जानता हूँ कि हमारे अब्बू की पेंशन आती थी हमें 1000 रुपये, उसमें से मेरी माँ इन्वेस्ट करती थी मेरे स्कूलिंग में। 100 रुपये मेरे स्कूल की फीस, 100 रुपये मेरी ट्यूशन की फीस, बिकॉज शी कुड नॉट टीच इंग्लिश, सो शी हैड सेंट मी, बट वो 800 रुपये में गुजारा करती थी पूरे महीने। मैं 3-4 बार बैंक जाता, चेक करता, पेंशन आई नहीं आई। मैं मैसेज आपको ये नहीं देना चाहता कि हम वो गरीबी से गए, मैं मैसेज आपको ये देना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे रिश्तेदार थे, बहुत सारे लोग थे, कोई आके आपको देखा नहीं कि आपका गुजारा कैसे चल रहा है, आपकी स्कूलिंग कैसे चल रही है, या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। अगर आपके घर में या आपके रिश्तेदारों में आज आकर आप, भले ही वो आपसे नाराज़ हैं, भले ही वो आपसे झगड़ा करते हैं, बल उनके घर में जाके झांकिए और देखिए, अगर वो ज़रूरतमंद हैं तो प्लीज़ उनकी मदद कीजिए। अल्लाह कोई ना कोई ज़रिया निकाल कर उस बच्चे को या उस आदमी को, उस छोटे से नन्ही जान को कहीं से कहीं पहुंचा देता है। आई हैव गॉट अ ग्रेट प्लेजर एंड ग्रेट ऑनर टू लर्न समथिंग फ्रॉम यू। मुझे उतना बड़ी खुशी कभी नहीं मिली। मैंने ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात की है, लंदन में हो, हांगकांग में हो, सिंगापुर हो, बहुत सारी दुनिया देखी है मैंने। एंड अगर आप इन्वेस्टमेंट की फील्ड में अगर किसी को जानते हैं तो वॉरेन बफे के बाद किसी का नाम आता है, फ्रैंकलिन टेम्पलटन के हेड का, तो उससे भी मैंने डायरेक्ट मीटिंग्स की, बातचीत की है, लेकिन मुझे कभी खुशी कभी वो ये नहीं मिली जो मुझे इस प्लेटफॉर्म से अंजुमन के ज़रिए से मिल रहा है। अंजुमन इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड ये हमारी एक नई शुरुआत है। आई विश ऑल द बेस्ट टू अंजुमन इस्लाम फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी फॉर द टीचर्स, एंड आई एम श्योर दैट ऑल द टीचर्स विल लर्न दिस एंड दे विल अंडरस्टैंड दिस इम्पॉर्टेंस ऑफ इट एंड दे विल बेनिफिट फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट इन देयर लाइफ। मेरा लड़का सब अवार्ड लिया, बड़े बड़े सऊदी में, लंदन में सब अवार्ड लिया। मुझे माँ की जितनी खुशी होती है इतनी खुशी किसी को भी नहीं होती। माँ की कितनी खुशी होती है बच्चे के वास्ते, इतनी खुशी किसी को नहीं होती है। अल्लाह का बहुत शुक्रिया है।